क्या लिखा है बोर्ड पे? टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस दैट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर रूटीन. सो गो टू योर रूम इन द हॉस्टल एंड राइट ऑन अ पेज दैट व्हाट इज योर रूटीन, व्हाट इज योर डेली रूटीन, राइट ऑन वन पेज एंड राइट द रूटीन ऑफ मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी और एनीवन एल्स, उनका डेली रूटीन क्या है वो भी एक पेज पे लिखो आप. ठीक है, अब दोनों रूटीन को आप मैच करो, दोनों रूटीन को आप मैच करोगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको. तो उससे आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं. इवन मैच योर डेली रूटीन विद योर फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके क्लास का जो टॉपर है उससे आप मैच करो कि आपका डेली रूटीन क्या है और मेरा डेली रूटीन क्या है. एक के मार्क्स आए 80% और आपके आए 70% और किसी के आए 60%. तो डिफरेंस कहां से आया? तो दिस इज द रूट. व्हाट इज द रूट? रूट इज दैट योर डेली रूटीन इज नॉट गुड. आपका जो डेली रूटीन है वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. Either you don't want to achieve anything, then that is okay. ठीक है, अगर आपको कुछ अचीव नहीं करना है, अगर आपको कुछ बड़ा नहीं करना है तो आपका रूटीन ठीक है. आप जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, लेट उठो, क्लास में लेट आओ, या जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से मत सुनो, या क्लास में क्वेरीज मत करो. ठीक है, अगर स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट मत करो, या फिर कोई वॉलंटियर इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट मत करो. तो उससे क्या है कि आपको ठीक है अगर कुछ अचीव नहीं करना है. अचीव करना है तो यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी फोकस्ड और यू हैव टू बी डू सम थिंग्स विच अदर्स आर नॉट डूइंग. व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग, इफ यू आर डूइंग दोज थिंग्स देन ओनली यू आर यू कैन अचीव द थिंग्स विच अदर्स आर नॉट अचीविंग. सपोज इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू बाय फरारी, तो फॉर दैट you have to change your routine and that routine should be matched to some person who will buy a Ferrari after 5 years. There is some person in this university or in this city or in this country is working on some project or some work and he will buy Ferrari after 3 years or 5 years. And you are also thinking about Ferrari but your routine is not matching with that person who will buy. And if you will see after 5 years from today or after 2 years, search on the Google that Ferrari owners in India. Ferrari owners in India. आप Google पे आ सर्च करोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी कि इतने लोगों के पास Ferrari है. एक साल बाद सर्च करना, कुछ लोग ऐड होंगे, कुछ लोग ऐड होंगे, नहीं होंगे. Yes or no? Yes. तो वो जो लोग ऐड होंगे वो आज कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो कि उनको एक साल बाद Ferrari दिलाएगा, है ना. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट यू थिंक, विद विच पीपल यू आर सिटिंग, विद विच पीपल यू आर टॉकिंग और विद विच पीपल यू आर अकंपनिंग, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. बिकॉज व्हाट यू लिसन, व्हाट यू थिंक, दैट दोज थिंग्स विल अट्रैक्ट यू. आपकी सोच को आपको बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल चीजों को पढ़ना होगा, अच्छे इंस्पिरेशन लोगों को सुनना होगा. जब आप वहां तक सोचोगे तब कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी. अभी आपके अट्रैक्शंस क्या हैं? अभी आपके अट्रैक्शंस हैं मैक्सिमम आईफोन, मैक्सिमम कुछ नए कपड़े खरीदे, मैक्सिमम आपके अट्रैक्शन है कि मैं उस रेस्टोरेंट में खाने चला गया, मैक्सिमम आपके अट्रैक्शंस क्या है कि मैं अच्छे मार्क्स लिया, ये आपके मैक्सिमम अट्रैक्शन है. मैक्सिमम थिंकिंग्स हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करेंगी. लेकिन जब आप सोचोगे कि आई विल बाय अ फरारी, तो फरारी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तो थिंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हो. थिंक, एक बुक आती है थिंक ग्रो एंड रिच, है ना, ये बुक है कि आप, और एक होती है रिच डैड और पुअर डैड, एक ये बुक है, एक द अल्केमिस्ट, ये एक बुक है जो कि लाइफ चेंजिंग बुक्स है. इन लोगों को वो लोग पढ़ते हैं. अभी मलाला जो थी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रही थी तो उसको मैंने सुना, उसने बोला कि मेरी फेवरेट बुक है द अल्केमिस्ट. द अल्केमिस्ट बुक अगर मलाला की फेवरेट बुक है तो आप
भी उसको पढ़ सकते हो, उसकी कॉस्ट लेस देन 500 रुपीज होगी और ऑनलाइन आपको पीडीएफ फ्री भी मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह की बुक्स को आपको पढ़ना है जो कि आपकी थिंकिंग को चेंज करेंगे। जब आपकी थिंकिंग चेंज होगी तो आपका रूटीन चेंज होगा, आपका रूटीन चेंज होगा तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा तो आपके रिजल्ट चेंज होंगे, है ना। और इट इज मतलब कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड या हमारा वो चीजें हमको इंस्पायरिंग नहीं मिली, हमको इंस्पायरिंग चीजें नहीं मिली, इसलिए हम थोड़ा मतलब कि अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। बट अब से आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं और जहां से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म मीन्स यू आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू आर द स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू आर गेटिंग एजुकेशन, यू आर गेटिंग फूड, यू हैव टाइम, यू हैव रिसोर्सेज, तो यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। सो ट्राई टू मेक अ बिग कंपनी, ट्राई टू मेक अ बिग प्रोडक्ट जो भी आप इस यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते बना सको और उसको किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सको, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सको, है ना। तो ट्राई टू गिव एम्प्लॉयमेंट, नॉट टू बी एम्प्लॉय, थिंक टू बी एम्प्लॉयर, नॉट टू बी एम्प्लॉय। इफ यू आर नॉट बी एम्प्लॉयर देन एम्प्लॉय तो बन ही जाओगे, एम्प्लॉयर नहीं बनोगे तो एम्प्लॉय तो बन ही जाओगे। तो पहले एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉयर बनने का सोचना है। तो थिंक, वट एवर यू विल थिंक दैट विल अट्रैक्ट यू। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच मीन्स थिंक, अच्छी चीजें सोचो, बड़ी चीजें सोचो, अपने आप ही ग्रो करोगे। प्रेम वत्स, ब्लैकबेरी का ओनर है प्रेम वत्स ने ब्लैकबेरी खरीदा है। ब्लैकबेरी जो कंपनी है मोबाइल की, आपने सुना होगा, अभी उसके मोबाइल बंद हो चुके हैं, लेकिन उसपे 30-40% शेयर प्रेम वत्स का है। प्रेम वत्स ने बोला है कि मैंने जब मैं कुछ नहीं था, मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी थी और उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई और उस वो फिर इतना बड़ा मतलब कि बिजनेसमैन बन गया कि उसने ब्लैकबेरी में मतलब कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो इंडियन है, ठीक है। सत्या नडेला, सुंदर पिचई, इंदिरा नुई, कौन है, इंडियन है ना। नासा में बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडियन है, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंडियन है। वो लोग अपने प्रोफेशन में इतने इन्वॉल्व है, इतने पैशनेट है, इतना अच्छा उनका पॉजिटिव माइंड है, सराउंडिंग इतनी पॉजिटिव है, तब वहां पे वो पहुंचते हैं। जो भी लोग नेगेटिव है आपके आसपास, उनसे बात करना बंद करो, आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। और कुछ नहीं करना है आपको, ओनली थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बिग, कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे को प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती थी, ठीक है, बट मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो भी कोई मतलब प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत चीज है, लेकिन आज मेरे को आती है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो चेंज योर रूटीन, थिंक बिग, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको फॉलो करेंगे और आप कोई भी चीज ऐसी मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। सो आपके जो भी क्वेश्चन हैं इसके बाद आप पूछ सकते हैं करके, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनीवन। जैसे सर हम लोग क्या एंटरप्रेन्योर स्किल्स हमें इंकरेज करनी चाहिए, हाँ, मतलब जैसे छोटे मोटे जैसे क्वालिटीज आते हैं, yes, yes. जैसे लीडरशिप है, yes, yes. और जो आप कह रहे हो उस पर बताओ, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी बचपन से डेवलप होती है, एटीट्यूड बचपन से डेवलप होता है, 15 साल के बाद आपका जो एटीट्यूड बन जाता है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, बहुत टफ है बट इट इज पॉसिबल। लीडरशिप स्किल, आप क्रिकेट में खेलते होगे बचपन में, गांव में खेलोगे, कहीं भी खेलोगे, अपनी गली में क्रिकेट खेलोगे तो एक उनमें कैप्टन होता है, एक उनमें कैप्टन होता है तो उसका मतलब है उस कैप्टन के अंदर लीडरशिप स्किल्स है, तभी तो वो लीड कर रहा है। अपने क्लास में आप सीआर बन गए, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा है, तो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल ही बता दूंगा जो कि बैक बेंचर्स हैं, कि अपनी स्टडीज में कभी अच्छे नहीं थे लेकिन वो लाइफ में बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसे भी लोग हैं। सो आपको सोचना है, यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर, यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर, यू डोंट नीड टू बी अ गुड इंग्लिश स्पोकर, वो आपको, यू आर यूनिक, आगे जाके आप सब कुछ बन सकते हो, बट आपको उसमें अपने आप को लो फील नहीं करना है कि आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दिस, बट यू कैन डू एनीथिंग एट एनी स्टेज, बट द ऑनली थिंग यू
confidence. Confidence to that I can do anything. You are doing good. You are doing good in programming, so I can do good in something else. Hai na? My friends are doing something good in this field, but I am making videos, so I can make good videos. So I am making videos. Agar main wo wali baat hai, sabhi bolte common si baat hai. Sachin Tendulkar agar gaana ga raha hota, aur Lata Mangeshkar agar cricket khel rahi hoti, to dono kahan hote? तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था, लता मंगेशकर गाना गाने के लिए पैदा हुई थी, और दोनों वर्ल्ड में टॉप पे हैं. तो दीज आर द थिंग्स, वो आपको पता चल जाएगा. लेकिन आपको थिंक एंड ग्रो रिच, पॉजिटिव थिंक बिग, और कोई भी काम मिले, यस आई विल डू दिस, यस आई विल डू दिस, यस आई विल डू दिस. अपने अंदर का जो बोलते हैं ना, अपने अंदर फाइट अपने से खुद से है, किसी और से नहीं है. कॉम्पिटिशन खुद से है, किसी और से नहीं है. आपको रोज अपने आप को इम्प्रूव करना है. एज ए पर्सनैलिटी आज मैं क्या हूँ, एज ए पर्सनैलिटी मैं कल क्या था और कल क्या हूँ, आज मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया. डू द सिंपल थिंग्स, लाइफ इज वेरी सिंपल. थैंक यू एवरीवन.